उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी लगातार आयोग को मेल करके पूछ रहे थे कि अब जो है एक बार, तो इसको लेकर के आज आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि एलटी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो कब तक होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूके त्रिपल एसी ने संवाद के माध्यम से आज की डेट में यहाँ पे दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की डेट यानी 4 मई 2021 की डेट पड़ी हुई है, और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं संवाद 111 के तौर पर यहाँ पर जो है आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन है ये यूके त्रिपल एसी की ओर से यहाँ पर जारी किया गया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे यूके त्रिपल एसी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है। डेट भी यहाँ पे पड़ी हुई है 4 मई 2021 की डेट पड़ी हुई है, और यहाँ पे देखें उत्तराखंड अधि सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित परीक्षाओं के संबंध में, तो प्रिय अभ्यर्थियों अवगत कराना है कि अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी पाई जा रही है कि आयोग द्वारा अपनी प्रस्तावित परीक्षाएं तथा सहायक अध्यापक एलटी स्नातक स्तरीय परीक्षा व इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाएं कब तक आयोजित की जाएंगी। सभी विज्ञ हैं कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण का काफ़ी कुप्रभाव राज्य में है। कई क्षेत्रों में महामारी पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं व सभी तरह के शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। ऐसे में परीक्षाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः इस संक्रमण के कुप्रभाव कि कम होने व अनुकूल परिस्थितियों के आने तक लिखित परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं का आयोजन संभव नहीं है। उचित समय आने पर आयोग इस संबंध में आयोग वेबसाइट व समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधी सूचना प्रसारित करेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि एलटी की परीक्षा कब होगी, तो आयोग ने एक संवाद के माध्यम से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि जब कोरोना के मामले कम होंगे उसके बाद ही जो है वो एग्जाम कराया जाएगा, और इसके लिए जो है समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। तो ऐसे में पूरा डिपेंड इसी पर करता है कि कोरोना के मामले कब तक कम होते हैं, उसी के आधार पर ये परीक्षाएँ होंगी। हालांकि यहाँ पर पहले भी बताया गया था कि जो एग्जाम है वो सितंबर से पहले कराना संभव नहीं है। वैसे भी आपको बता दें कोरोना के मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जब तक पूरे मामले सही नहीं हो जाते तब तक परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ पे जल्द नहीं होने की संभावना है। ऐसे में सितंबर तक ही जो है एग्जाम हो पाएगा।